नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, बड़ी खबर आ रही है अखिलेश यादव के हवाले से। अखिलेश यादव कल शाम को बुलंदशहर गए थे, फिर गाजीपुर गए थे। अब बुलंदशहर में उनके स्वागत शरद पवार ने किया था। देखिए, कोइंसिडेंस नहीं था, वो पहले से मीटिंग तय थी, वहां पे शरद पवार आने थे, प्राइवेट फंक्शन था, उसमें गए थे अखिलेश यादव अपने पूर्व एमएलसी से मिलने। अब वहां पर देखिए, काफी कयास और अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। लेकिन उसके बाद ये खबर मैंने आपको पहले ही बताई थी, लेकिन उसके बाद की खबर जो है वो ऐसी है कि अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर काफी हमला बोला। क्या बोला? योगी सरकार को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है, ये हमला बोला है। जी हाँ, क्या क्या एक्सपोज करा है और क्या क्या देखिए योगी सरकार के काम गिना है जो उन्होंने नहीं किए हैं, सुनिए अखिलेश यादव की खुद की जुबान। पूरे पार्टी के साथ है और सबको एडजस्ट किया जाएगा। हमारी पार्टी और पार्टी का दिल बहुत बड़ा है। बयान दिया है कि आज बढ़ा दिया कि जाति व्यवस्था जो थी पंडितों ने बनाई। देखिए, उनसे बड़ा जानकार कोई नहीं हो सकता। मैंने ये अभी कुछ दिन पहले कहा था, ये बीजेपी के लोग रिलीजियस साइंटिस्ट हैं, रिलीजियस इनोवेटर्स हैं, इनोवेट करते हैं चीजों को, इनोवेशन है इनके अंदर, ये कुछ भी कर सकते हैं। अरे आपको याद नहीं है, एक बार मूर्तियों को दूध पिलवाया गया था, वो कौन लोग थे उस साजिश के पीछे, कौन लोग थे? बीजेपी कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है, उनके नेता कुछ भी कहलवा करके आगे बढ़ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है, अखिलेश यादव घर के बाहर सूद रहे हो, घर में छत्री है, आपकी क्या? अरे कितनी अच्छी बात कही, बड़े जानकार लोग हैं। लगता है बीजेपी वाले अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं दिन और रात में इनको। राहुल गांधी कह रहे हैं जी मामूली ठग रही है और बीजेपी अधर्म कर रही है। देखिए, राहुल गांधी जी कभी कभी तो ठीक कहते हैं और नहीं 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 मैं मानता नहीं, मैं राहुल जी के लिए कह रहा हूँ। और अगर आप गूगल, एक मिनट में देखिए, गूगल अगर आप करेंगे, क्योंकि जमाना गूगल का है, ठग की परिभाषा बहुत अच्छी है। और जो ठग की परिभाषा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी कभी कभी ठीक बोलते हैं। सर, महंगाई किसान की बात नहीं हो रही है, धर्म की बात हो रही है, राजनीति। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, पत्रकार साथियों हमारी मदद करो इसमें, कि सवाल महंगाई पर, बेरोजगारी के पूछे जाए बीजेपी वालों से। और बीजेपी वालों का इसीलिए मैंने कहा 2022 खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि उन्हें बताना पड़ेगा कि आय दोगुनी हो गई किसानों की, नौजवान को नौकरी रोजगार, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। बीजेपी के लोग मुख्य मुद्दे से हटा करके बहस छेड़ रहे हैं। आज सवाल महंगाई का है, बेरोजगारी का है, हम दुनिया में कहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं? आप आंकड़े देखिए, हमारी प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ खड़ी है, गरीबी में कहाँ खड़े हैं, भुखमरी में कहाँ खड़े हैं, बेरोजगारी में कहाँ खड़े हैं। और जो समाजवादियों ने एम्बुलेंस बनाई थी, गांव नहीं पहुंच पा रही, पता नहीं क्या कर दिया बीजेपी वालों ने, इनके टायर खा गए ये लोग, कि डीजल पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, कि ड्राइवरों को सुविधा नहीं दे रहे हैं। पुलिस को बनाई थी 100 नंबर, बदल दिया 112, बताओ बेईमानी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? क्योंकि वो नंबर बढ़ा तो पुलिस ने समझा हमें भी अपनी बढ़ानी है कुछ, उन्होंने भी अपनी व्यवस्था बढ़ा ली। देखिए, वो सवाल मैंने कहा, ये जो रामचरितमानस को लेकर के या धर्म को लेकर, भगवान को लेकर के, मैंने कई बार कहा कि हम समाजवादी लोग हर भगवान को मानते हैं, भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानते हैं और जितने भी ग्रंथ हैं उन सबको मानते हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। इसीलिए मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। 2024 को वो संविधान की शपथ लेके बैठे हैं, वो एक पीठ मठ से आए हैं, खुद को वो कहते हैं वो योगी हैं, तो उनसे अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। इसलिए सदन में मैं उनसे जरूर जानना चाहूंगा कि शूद्र क्या है, और ये 5000 साल से पुरानी लड़ाई है, एक पे ले जाएंगे और अचानक वो 20 की सूची से भी बाहर हो जाए, फिर लग रहा है कि फिर सूची में आ रहा है। आखिरकार सरकार क्यों मदद कर रही है? मुझे याद है उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का, बिजली विभाग के लोगों का प्रोविडेंट फंड का पैसा DHFL में इन्वेस्ट किया गया था, DHFL नुकसान उठा गई, कंपनी फेल हो गई, उस समय जिन अधिकारियों ने फैसला लिया उनको जेल भेज दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से, सरकार से, कि जनता जानना चाहती है कि अगर DHFL में पैसा लगाने पर उस समय के अधिकारी जेल जा सकते हैं, तो LIC और SBI का पैसा जिस कंपनी में लगा है उनके बड़े अधिकारी कब जेल जाएंगे? आप ED CBI इनकम टैक्स लिए घूमते हो,
आज लखनऊ को सजाने के लिए आप रिवर फ्रंट में जो ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स में उसमें आप रोशनी करना चाहते हो। तो देखा कैसे आपने अखिलेश यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं, उत्तर प्रदेश में महंगाई इतनी बढ़ गई है, फिर भी भाजपा जो है वो गंदी राजनीति कर रही है, यही अखिलेश यादव का कहना है। अब देखने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव ने जो काम है जातिगत जनगणना का, यानी कि कास्ट सेंसस का, वो काफी टाइम से बोलते जा रहे हैं क्योंकि बिहार में शुरुआत हुआ था कास्ट सेंसस की, यानी कि जातिगत जनगणना की जो चिंगारी है वो बिहार में से शुरू हुई थी और इसकी आग अब जो है वो उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। तो अखिलेश यादव ओपोजिशन, स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन है उत्तर प्रदेश के, वो काफी टाइम से बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना जो है वो करनी चाहिए। इसमें बीजेपी के मंत्री अखिलेश यादव का साथ दे रहे हैं, यानी कि केपी मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह भी, देखिए माफ कीजिएगा, संजय निषाद भी उनके साथ है, उनके स्वर के अखिलेश यादव के स्वर ही बोल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा यानी कि योगी आदित्यनाथ का स्टैंड इस पर क्या होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाय।